हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के सुबाथू में देर रात पहाड़ी से एक चट्टान के गिरने से एक भवन का लेंटर टूट गया, साथ ही एक दुकान भी क्षतिग्रस्त हो गई। इससे भवन में दरारें आ गई, वहीं घर में सो रहे एक युवक को भी हल्की हल्की चोटें आई है। युवक को इलाज के लिए चंडी मंदिर अस्पताल रेफर किया गया है। हादसा मंगलवार सुबह करीब 7:45 पर सुबाथू धर्मपुर मार्ग पर नया नगर में हुआ। ये मकान पूर्व सैनिक का है। प्रशासन की टीम मौके पर नुकसान की रिपोर्ट तैयार कर रही है। पीड़ित परिवार को 5,000 की फौरी राहत दे दी गई है। जाडला पंचायत के पूर्व प्रधान ने बताया कि जैसे ही उन्हें इस घटना की सूचना मिली वह तुरंत मौके पर पहुंचे और पाया कि पहाड़ से पत्थर गिरकर घर की छत को फाड़ते हुए घर में प्रवेश कर चुके हैं, जिसकी वजह से घर को भारी नुकसान पहुँचा है और एक युवक भी घायल हुआ है जिसे अस्पताल में भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि अभी भी घर पर खतरा मंडरा रहा है और समय रहते अगर सुरक्षा की कदम नहीं उठाए गए तो नया नगर निवासियों को। आज यहाँ पर जो हादसा हुआ है उस पर मैं बहुत ही दुख करता हूँ। जैसे ही मुझे सूचना मिली मैं और मेरे बेटा यहाँ पहुँच गए थे और हमने यहाँ मौके पर देखा तो मौके पर जो लेंटर तोड़ के पत्थर अंदर चले गए थे वो उससे बहुत नुकसान हुआ है। एक बच्चे की चोट भी लगी है, उसको हॉस्पिटल भेज दिया गया है। पटवारी को भी सूचना दे दी गई है और सीपीओ साहब को मैंने मैसेज कर दिया है। जितना भी इनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए हम पूरा जोर लगाएंगे, उनसे दिलाएंगे पीछे। अभी जो पत्थर ऊपर से आ रहे हैं ऊपर टॉप में खतरा है काफ़ी, वहाँ पर कुछ क्रेट वायर या कुछ वहाँ लगाने की जरूरत है ताकि इधर पत्थर ना आ सके, क्योंकि अगर पत्थर और आए तो ये पूरा नया नगर नीचे को तबाह हो जाएगा बहुत। मगर वहाँ कोई क्रेट वगैरह लग जाए जगह तो मलकीत है, उसको रोकने के लिए कुछ इसका प्रबंध करना चाहिए। बाकी यहाँ परिवार साल की घटना हुई है बहुत दुख की बात है। वो मौके पर पहुँच गए हैं सर, एक दिल्ली में है उनका जो फादर है उनको भी मैसेज चला गया है, उनकी बेटी वगैरह यहीं है, बच्चे भी आ गए हैं ये टीम के और पटवारी जो भी आ रहे हैं तहसीलदार साहब ने भी कर। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के सुबाथू में देर रात पहाड़ी से एक चट्टान के गिरने से एक भवन का लेंटर टूट गया, साथ ही एक दुकान भी क्षतिग्रस्त हो गई। इससे भवन में दरारें आ गई, वहीं घर में सो रहे एक युवक को भी हल्की हल्की चोटें आई है। युवक को इलाज के लिए चंडी मंदिर अस्पताल रेफर किया गया है। हादसा मंगलवार सुबह करीब 7:45 पर सुबाथू धर्मपुर मार्ग पर नया नगर में हुआ। ये मकान पूर्व सैनिक का है। प्रशासन की टीम मौके पर नुकसान की रिपोर्ट तैयार कर रही है। पीड़ित परिवार को 5,000 की फौरी राहत दे दी गई है। जाडला पंचायत के पूर्व प्रधान ने बताया कि जैसे ही उन्हें इस घटना की सूचना मिली वह तुरंत मौके पर पहुंचे और पाया कि पहाड़ से पत्थर गिरकर घर की छत को फाड़ते हुए घर में प्रवेश कर चुके हैं, जिसकी वजह से घर को भारी नुकसान पहुंचा है और एक युवक भी घायल हुआ है जिसे अस्पताल में भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि अभी भी घर पर खतरा मंडरा रहा है और समय रहते अगर सुरक्षा की कदम नहीं उठाए गए तो नया नगर निवासियों को। आज यहाँ पर जो हादसा हुआ है उस पर मैं बहुत ही दुख करता हूँ। जैसे ही मुझे सूचना मिली मैं और मेरे बेटा यहाँ पहुँच गए थे और हमने यहाँ मौके पर देखा तो मौके पर जो लेंटर तोड़ के पत्थर अंदर चले गए थे वो उससे बहुत नुकसान हुआ है। एक बच्चे की चोट भी लगी है, उसको हॉस्पिटल भेज दिया गया है। पटवारी को भी सूचना दे दी गई है और सीपीओ साहब को मैंने मैसेज कर दिया है। जितना भी इनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए हम पूरा जोर लगाएंगे, उनसे दिलाएंगे पीछे। अभी जो पत्थर ऊपर से आ रहे हैं ऊपर टॉप में खतरा है काफ़ी, वहाँ पर कुछ क्रेट वायर या कुछ वहाँ लगाने की जरूरत है ताकि इधर पत्थर ना आ सके, क्योंकि अगर पत्थर और आए तो ये पूरा नया नगर नीचे को तबाह हो जाएगा बहुत। मगर वहाँ कोई क्रेट वगैरह लग जाए जगह तो मलकीत है, उसको रोकने के लिए कुछ इसका प्रबंध करना चाहिए। बाकी यहाँ परिवार साल की घटना हुई है बहुत दुख की बात है। वो मौके पर पहुँच गए हैं सर, एक दिल्ली में है उनका जो फादर है उनको भी मैसेज चला गया है, उनकी बेटी वगैरह यहीं है, बच्चे भी आ गए हैं ये टीम के और पटवारी जो भी आ रहे हैं तहसीलदार साहब ने भी ऑर्डर कर दिया है सर। कौन रहा है हमारे सुबह तकरीबन 8:30 बजे के तकरीबन भाई वगैरह ऊपर गए हुए थे तो उन्होंने देखा ऊपर से पत्थर आते हुए तो उन्होंने हमें आवाज़ लगाई कि बाहर निकलो करके। जैसे ही हम बाहर निकलने लगे थे तो पत्थर पूरा डैमेज, उन्होंने लैंडस्लाइड होके काफ़ी बड़े पत्थर आके उन्होंने घर को पूरा हमारे डैमेज कर दिया, जो भी हमारा 3 पोर्शन में घर बना हुआ था। तो सरकार को हमने कॉल किया, पुलिस वालों को कॉल किया, उन्होंने
ऑन द सपोर्ट हमारी मदद करी, और SDM वगैरह भी पर्सनली हुआ है, उन्होंने पूरा इन्वेस्टिगेट करा कहाँ किसको नुकसान हुआ है जान मान का। भाई को थोड़ी चोट लगी तो उसको गवर्नमेंट की तरफ से हॉस्पिटल ले गए, और हमें इन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का गेस्ट हाउस फूड के साथ उन्होंने हमें प्रोवाइड करा है, तो उन्होंने हमें सारी फैसिलिटीज अभी दी है जो भी उनकी हो सकती है। बाकी आश्वासन दिया है कल भी आएंगे मिलने के लिए।